तो देखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अर्थात जैसे पहले हम भी बता चुके हैं कि विटामिन दो प्रकार के, वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो भी थे वो हम सब आपको दे चुके हैं। अब हमारा टॉपिक है वाटर सॉल्युबल विटामिन अर्थात जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन दो ही है केवल, जिसमें से एक है बी और दूसरा है सी। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। इसमें बी की कई कई प्रकार से बी डिवाइड हुए हैं अर्थात बी कॉम्प्लेक्स इसका नाम है। कुल मिला जुला के बी वाले विटामिन कई नाम के होते हैं, कि कई कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया गया है, जिसके कारण इसे हम बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा, जो विटामिन बी है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, नाइट्रोजन युक्त है, और ये विटामिन जो है सबसे ज्यादा मात्रा में ईस्ट में अर्थात खमीर, एक फंगस है, उससे हमें प्राप्त होते हैं, और ये लीवर में भी पाए जाते हैं क्योंकि विटामिन बी है। और उसके बाद जो है विटामिन बी का निर्माण भी हमारे शरीर में अर्थात हमारे इंटेस्टाइन में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिक के द्वारा जो है संश्लेषित भी होता है। तो हम जो है विटामिन बी का खोज भी सबसे पहले हुआ था, सबसे पहले विटामिन बी का खोज हुआ था, और ये नाइट्रोजन युक्त विटामिन होते हैं। अब इस कैटेगरी में अर्थात विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो हमारा पहला विटामिन है उसका नाम है B1, जिसे हम थायमिन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे है विटामिन B1 अर्थात थायमिन, B1 विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन विटामिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, और ये विटामिन का जो मुख्य स्रोत जो होता है थायमिन। तो इसका जो मुख्य स्रोत है अर्थात विटामिन B1 पाए कहाँ जाते हैं, तो इनका जो मुख्य स्रोत होता है वो है होल ग्रेन्स में पाए जाते हैं। सोर्स देखिएगा, इनका मुख्य सोर्स जो है होल ग्रेन्स में पाए जाते हैं, या फिर हम जो है कह सकते हैं कि ये जो है जो अनाज हमारे होते हैं अनाज के छिलके में भी ये पाए जाते हैं अर्थात 45 टेरल्स। फिश में भी पाए जाते हैं, मीट में भी पाए जाते हैं, और बहुत सारी जगहों पे ये पाए जाते हैं, जैसे कि बीन में भी पाए जाते हैं, और जो है ये नट्स में भी पाए जाते हैं, पीज में भी पाए जाते हैं। तो ये है हमारे मुख्य स्रोत इसके विटामिन B1 अर्थात थायमिन के। देखिएगा विटामिन B1 या थायमिन का और हम नाम से भी इसे जानते हैं, इसे हम अथवा कर सकते हैं विटामिन B1 को, या विटामिन B1 का जो दूसरा नाम है थायमिन
उसे हम कहते हैं एंटी न्यूरेटिक्स या एनी यूरिन। एंटी एंटी न्यूरेटिक अथवा इसे एक नाम और हम इसका एक नाम और दे सकते हैं जिसे हम कहते हैं एनी यूरिन। एनी यूरिन नाम से भी जानते हैं। और वैसे तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी विटामिन आएंगे वो सारे विटामिन जान लीजिएगा कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया जो हमारे अंतर्गत होती है, मेटाबॉलिज्म की प्रक्रियाएं जो होती है उन सभी में कोएंजाइम होते हैं। उन सभी कोएंजाइमों के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। तो जो ये हमारा थायमिन या एंटी न्यूरेटिक्स या एनी यूरिन विटामिन है, ये जो है इनके जो मुख्य स्रोत है ये है। और इनकी डिफिशियंसी से जो बीमारी होती है उस बीमारी को नाम क्या दिया है, तो डिफिशियंसी से होता है आपका एक बीमारी होती है जिसे हम बेरी बेरी के नाम से जानते हैं। बेरी 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 विटामिन। अब बेरी बेरी नो बेरी बेरी रोग विटामिन नहीं जाएगा रोग। तो बेरी बेरी रोग जो होता है वो किस प्रकार का रोग होता है, विटामिन बी वन के कमी से यह रोग होता है। और इस रोग में अतः बेरी बेरी का जो रोग है वो है क्या, तो जान लीजिएगा जो हमारी हृदय की पेशियां होती हैं, हमारी हृदय की पेशियां की जो है वृद्धि या हृदय 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 पेशी जो होती है वो हमारी कमजोर हो जाती है। अर्थात हम इसे कह सकते हैं हार्ट मसल और बीक। हार्ट मसल हमारे बीच में क्या हो जाते हैं, वो बीक पड़ जाते हैं। और इनके बीक पड़ जाने के कारण समस्या आती है, हमारी जो दिल की धड़कन होती है जिसे हम हार्ट बीट कहते हैं वो बंद हो सकती है। एंड देखिए हार्ट मसल्स आर बीट रिजल्ट हार्ट बीट और क्लोज्ड। हार्ट बीट जो होते हैं वो क्लोज्ड हो सकते हैं और उसके कारण जो है अपच की हमें समस्या भी बनी रहती है। कब्ज है या अपच होता है उसकी समस्या बनी रहती है। इसे ही मिला देंगे इन सबको तो उसी का नाम है, क्या नाम है ये, अर्थात बेरी बेरी की बीमारी भी हो जाती है। और एक समस्या होती है जो हमारा CNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम केंद्रीय तंत्र का तंत्र कहते हैं। इस केंद्रीय तंत्र का तंत्र को चलने के लिए हमें इसको ऊर्जा चाहिए और वह ऊर्जा की प्राप्ति जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के द्वारा है। तो होता क्या है, विटामिन बी वन की कमी से कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म रुक जाता है। और जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा तो फिर वहां पे समस्या आ जाती है कि हमारे CNS को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और इस स्थिति में हमारे
शरीर में एक बीमारी उत्पन्न होती है जिसे कहते हैं पैरालिसिस अर्थात लकवा। तो पैरालिसिस बीमारी हमें हो सकती है जिसे लकवा बोलते हैं हिंदी में, लकवा की भी बीमारी हो सकती है। तो ये कुछ खास मैटर थे थायमीन पर, जिसको एंटी न्यूरेटिक या एनीयूरिक नामों से भी जानते हैं। अब हमारा दूसरा, दूसरे हम विटामिन पे बी ही परिवार के विटामिन के दूसरे के चलते हैं, जिसको कहते हैं विटामिन B2। तो देखिएगा विटामिन B2 है जिसका विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। देखिएगा विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत में भी जान लीजिएगा जो यहाँ पे स्रोत दिए गए हैं लगभग वही स्रोत जो है विटामिन B2 अर्थात राइबोफ्लेविन में भी पाए जाते हैं। तो देखिएगा सोर्स में ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियों में भी ये पाए जाते हैं, कौन विटामिन B2 है। ईस्ट में पाए जाते हैं, ईस्ट पहले हम बता चुके हैं, ईस्ट में भी पाए जाते हैं, लीवर में भी। तो ये जो है कुछ इनके आउट आप एक्स में ले लेंगे पाए जाएंगे, मीट में, फ्रेश मीट, फ्रेश मीट ताजा मांस में, फ्रेश मीट अर्थात ताजे मांस में भी ये पाए जाते हैं, मिल्क में भी पाए जाते हैं। मिल्क में भी ये पाए जाते हैं और इनके जो इसका मुख्य जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो एंजाइम FAD यानी FAD और FEMEN के, देखिएगा FAD और FMN, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियेट, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियेट। तो FAD और FMN के ये मुख्य घटक होते हैं और ये जो है ये ऑक्सीडेटिव फास्फो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फास्फो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन की घटना होती है उसमें इनकी भूमिका मुख्य होती है। कुल मिलाकर के ये ऊर्जा की, हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति आवश्यक होते हैं, यदि इनकी कमी हो जाती है तो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन की क्रिया बाधित हो जाती है और जब ये बाधित हो जाएगी तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलने में समस्या हो जाएगी। इनकी डिफिशियंसी अर्थात B2 की डिफिशियंसी से देखिएगा बीमारी क्या होती है, तो ये है तो एक बीमारी है जिसका नाम है कीलोसिस, उसे हम कीलोसिस नामक बीमारी कहते हैं। और ये बीमारी कीलोसिस नामक बीमारी है क्या? तो ये बीमारी जो है कीलोसिस बीमारी जो होती है ये कह सकते हैं कि जो हमारे माउथ होते हैं अर्थात होंठ यानी कि हाँ होंठ के किनारों पर कट जाते, तो इससे हम कह सकते हैं कि द कॉर्नर ऑफ लिप्स, कॉर्नर ऑफ बोथ कॉर्नर ऑफ लिप्स और क्रैक। और क्रैक ये
कॉर्नर ऑफ लिप्स आर क्रैक हो सकते हैं अर्थात हमारे होठों के किनारे की कमी को कट जाते हैं। इनसे इनकी कमी से और बीमारियां जो भी हो सकती हैं वो है जैसे दिमाग की छिड़ता हो जाती है अर्थात दिमाग में कमी आ जाती है, रक्तहीनता आ जाती है और हमारी जो मेमोरी मेमोरी यानी कि जो हमारी मानसिक क्षमता होती है मानसिक क्षमता वो कमजोर पड़ जाती है अर्थात इसे हम कह सकते हैं स्मृति हमारी कमजोर पड़ जाती है। तो अब हम चलेंगे विटामिन नंबर थ्री पे अर्थात बी थ्री पर चलेंगे।